बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत तथा जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कई बूथों का निरीक्षण कर मतदान का जायजा लिया। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर में अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। कुछ मतदान केंद्रों में सुबह ईवीएम में खराबी की सूचना आने के उपरांत उन्हें बदल दिया गया था। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए अर्धसैनिक बल तथा पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। कुल मिलाकर बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। उपचुनाव में खड़े पांचों प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। अब सभी को 8 सितंबर के मतगणना का इंतजार है। बागेश्वर विधानसभा में 188 पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होना है, तो हमारा सभी जगह लगभग मतदान स्टार्ट हो गया है। तो अभी 9 o'clock के जो 2 घंटे के मतदान की रिपोर्ट आएगी, तभी पता चलेगा कितना परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है। अभी कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई इश्यू नहीं है। सब जगह फ्लॉलेसली मतदान अच्छे से चल रहा है, और यहाँ इस वाले बूथ पर जिस पर मैंने दिया है तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। अभी तक 7% के आसपास टर्नआउट है। लगभग 639 यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हमारा लगभग 94 के आसपास वोटिंग हो चुका है। तो इस तरह अन्य बूथों पर भी होगा। तो एक बार ये 9 o'clock का जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या टर्नआउट है। बाकी स्थिति सामान्य है। कुछ वीवीपैट्स में मॉक पोल के दौरान कुछ खराबी हुई थी तो उनको रिप्लेस कर दिया गया था। अब सभी जगह सुचारू है। देखिए, अभी तक 15 से 16 बूथ मैं देख चुका हूँ। कुछ शहर के अंदर के बूथ्स भी देखे, विवेकानंद वाला बूथ देखा, सैनिक विश्राम गृह वाला बूथ देखा, सखी बूथ को भी देखा, मॉडल बूथ को भी देखा, और अभी हमने जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें भी मैंने देखा, जिसमें कि 88 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे वेबकास्टिंग हो रही है। ये बिलौना वाले बूथ में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ भी वेबकास्टिंग हो रही है, और जो भी वोटिंग हो रही है इसको कोई भी देख सकता है, पारदर्शी तरीके से हो रही है। कमीशन भी इसको सीधे देखता है, और कुल मिला के जो भी पोलिंग है पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो फिगर लोग उत्साहित हैं। और इससे पहले जो अभी तक बूथ्स मैंने देखे हैं उनमें सब कुछ मैंने ठीक पाया है। हमें एक इंस्पेक्शन विजिट शीट होती है, उसको भी हम साइन करते हैं, उसमें भी एंट्रीज होती हैं, और कुल मिला के अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। जो फिगर्स हमने ली थी, 9 बजे की फिगर्स मुझे मिली थी, तब तक 10.13 के आसपास परसेंटेज था। अभी 11 बजे की फिगर्स भी आ गई होंगी, इसको भी थोड़ी देर में हम लेके अपडेट करेंगे आपको। सर, एक विपक्ष द्वारा मतगणना के दिन कुछ गड़बड़ी होने की आशंका जताई जाए, ऐसा कहीं पे भी किसी को शिकायत आती है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी उसको बता सकते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी बता सकते हैं, और कभी किसी प्रकार की शिकायत होगी उस पर उसका निवारण किया जाए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।